तो आज हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं वेनिला केक रेसिपी। बिना वेनिला एसेंस के हम बनाएंगे, बहुत ही मज़े का ये केक बन के तैयार होता है। और हम इसको आज कढ़ाई में बना के तैयार करेंगे बिना ओवन के ही। बहुत ही मज़े के ये लगते हैं, एक बार आप लोग ट्राई ज़रूर कीजिएगा। बहुत ही सॉफ्ट सॉफ्ट बन के तैयार होते हैं, बिल्कुल बाजार जैसे केक आप देख सकते हैं, बिल्कुल बाजार के मिठाइयाँ केक जैसे ये लग रहा है, बहुत ही मज़े का लगता है। चलिए देख लेते हैं हमने इसको कैसे बनाया, एक बार आप लोग ट्राई ज़रूर कीजिएगा। मेरी वीडियो पसंद आएगी तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। एक बार आप लोग ट्राई ज़रूर कीजिएगा। आप देख सकते हैं कितना ही सॉफ्ट सॉफ्ट हमारे केक बन के तैयार हुए हैं, आपको देख के ही पता चल रहा होगा। देख लीजिए कितने स्पॉन्जी हमारे केक हैं, खाने में भी ये बहुत ही मज़े के लगते हैं। वेनिला केक बनाने के लिए यहाँ पे हमने एक बर्तन लिया है जिसके ऊपर एक हम स्टेन जाली रख लेंगे। इसमें हम 1.5 कप मैदा डालेंगे। अपने घर में किसी भी मेजरमेंट से आप नाप लीजिए, उससे आप 1.5 कप मैदा ले लीजिए। आज हम वेनिला केक बिना वेनिला एसेंस डाले ही वेनिला केक बनाएंगे। यहाँ पे हमने 1.5 कप मैदा ले लिया है, 1 और आधा कप मैदा ले लिया है। हमने इसको स्टेनर में डाल लेना है। और यहाँ पे हम 1 कटोरी कस्टर्ड ले लेंगे, कस्टर्ड पाउडर, हमने वेनिला कस्टर्ड पाउडर लिया। आप जिस फ्लेवर का लेना चाहें आप उस फ्लेवर का ले सकती हैं, उसको भी हमें इसी में डाल लेना है। अगर आप स्पून से लेंगी तो ये 3 बड़े चम्मच है, 3 बड़े चम्मच ले सकती हैं। और यहाँ पे हम 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर डाल देंगे। आप जब भी बेकिंग पाउडर पर डालिए आप देख के डालिएगा कि वो इसमें डेट सही है कि नहीं सही है, एक्सपायरी तो नहीं है। अगर वो एक्सपायरी रहेगा तो फिर वो हमारा केक फ्लफी फ्लफी नहीं बनेगा। और 1/2 टीस्पून हम बेकिंग सोडा ले लेंगे, खाना सोडा होता है जो घर में आप यूज़ करते हैं वही सोडा हमें ले लेना है। हमें इसको अच्छे से छान लेना है, इसमें हमारी जो गुलटी वगैरह रहेंगी या कुछ भी लम्स वगैरह है उसको हमें निकाल देना है। इस तरह से हमें अच्छे से इसको छान लेना है। इस तरह से हमने इसको छान लिया, ये देखिए जो है इस तरह से मोटे मोटे हमें इसको हटा देना है। सभी को हमें बहुत अच्छे से, अब इसको आप सभी को मिक्स कर लीजिए ताकि आपस में हमारी सब चीज़ बहुत अच्छे से मिल जाए। तो हमें बहुत अच्छे से मिला लेना है, मिला के अब हम इसको साइड रख देंगे। देख सकते हैं हमने सभी को बहुत अच्छे से मिला लिया है, मिला के अब हम इसको साइड कर देंगे। इधर हमने 1 कप टूटी फ्रूटी ली है, हमने रेड कलर की ली है, आप चाहें जिस कलर की तो उस कलर की ले सकते हैं। अब इसमें हम 1 टीस्पून मैदा डाल देंगे, डाल के हमें इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि हमारी टूटी फ्रूटी में अच्छे से मैदा लग जाए। और जो आपका एक्स्ट्रा इसमें से मैदा रहे आप उसको निकाल भी सकते हैं, इससे जब आप केक में डालेंगे तो आपकी टूटी फ्रूटी नीचे बैठेगी नहीं। बहुत लोग की ऐसा रहता है कि टूटी फ्रूटी जो है नीचे ही केक में आ जाती है, बीच में नहीं आती है। इस तरह से आप करके डालेंगे तो आपकी टूटी फ्रूटी हर जगह रहेगी। इस तरह से हमें आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से मिला लिया है, जो इसमें हमारा एक्स्ट्रा मैदा है उसको हमें निकाल लेना है। इधर हमने एक कढ़ाई ली है जिसको हमने मीडियम फ्लेम पे गर्म होने के लिए, प्री हीट होने के लिए रख दिया है। इसमें हमने एक स्टैंड रख दिया है, आपके पास जो भी हो, अगर स्टैंड नहीं है तो आप कुछ भी कोई भी सामान या कोई भी कटोरी वगैरह रख दीजिए। और इसको लो फ्लेम पे 10 मिनट के लिए ढाक के प्री हीट करने के लिए रख दीजिए। यहाँ पे हमने 1 कप दूध लिया है, जो दूध हमारा थोड़ा गर्म है, इतना गर्म है कि आप अगर उंगली डालिए तो ये आपके सहने लायक है, बहुत ज़्यादा आप गर्म दूध मत लीजिएगा। और यहाँ पे हमने 3 बड़े चम्मच हमने दूध के ऊपर की मलाई ली है। आपका दूध ठंडा हो जाता है उसके ऊपर जो मलाई पड़ जाती है आप उसको ले लीजिए, और लेके हमें इसको दूध में डाल देना है। डाल के हमें इसको अच्छे से फेंट लेना है। अब मिक्सर की मदद से आप इसको अच्छे से इसको फेंट लीजिए, हमारे दूध में मलाई बहुत अच्छे से मिल जाए, इससे हमारा दूध भी बहुत ही गाढ़ा हो जाएगा और बहुत ही अच्छा हो जाएगा। देख सकते हैं हमने इसको बहुत अच्छे से फेंट लिया है, हमारी मलाई दूध में बहुत अच्छे से मिल गई है, बहुत ही क्रीमी सा और गाढ़ा सा हमारा दूध बन के तैयार हो गया है। अब इसको हम साइड कर देंगे और अब हम एक दूसरा बाउल लेंगे। यहाँ पे हमने 1 कप शुगर पाउडर लिया है, इसको हम एक बाउल में डाल लेंगे। हमने जितना शुगर लिया है उसी कप से हमें 1/2 कप ऑयल ले लेना है, जिसे आपने चीनी ली है, शक्कर ली है उसी से आप तेल ले लीजिएगा। और डाल के हमें इसको अच्छे से जो है मिक्स कर लेना है।
बहुत ही अच्छे से आप तेल में चीनी को अपने मिक्स कर लीजिए। आप देख रहे हैं कितने अच्छे से हमारी चीनी मिक्स हो गई है। बहुत ही अच्छे से हमने तेल और चीनी को मिक्स कर लिया। आप देख सकते हैं बिल्कुल स्मूथ सा इसका घोल बनके तैयार हो गया है। बस अब इस स्टेज पे जो हमने दूध को घोल के रखा था हमें उसको डाल देना है। डाल के अब इसको भी हम अच्छे से फेंट लेंगे। इसका भी एक क्रीमी से टेक्सचर हम तैयार कर लेंगे। हल्के हाथों से इसको पहले मिला लीजिए, अच्छे से इसको मिक्स कर लीजिए और इसी तरह से आप इसको फेंट लीजिए। इसको बहुत अच्छे से फेंट लिया। आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से हमारी चीनी वीनी सब इसमें मिक्स हो गई है और बहुत ही क्रीमी सा इसका एक घोल बन के तैयार हो गया है। अब हमें जो हमने अपने आटे को मिक्स को बनाया था, जो हमने अपने केक के बैटर को, हमें उसमें अपने इस घोल को थोड़ा थोड़ा सा डालते जाना है और हमें इसको मिक्स करते जाना है। हमें एक साथ पूरा नहीं डालना है, हम इसको थोड़ा थोड़ा डालेंगे और इसको मिलाते जाएंगे। जितना आपके बैटर बनाने में जितना लगे आप बस उतना ही यूज़ करेंगे, उससे ज़्यादा आपको नहीं डालना है। बस थोड़ा थोड़ा डालते जाइएगा और थोड़ा थोड़ा मिक्स करते जाइएगा इसी तरह से। देख सकते हैं इसी तरह से हम थोड़ा थोड़ा डालते जाएंगे और थोड़ा थोड़ा इसको मिक्स करते जाएंगे। इस तरह से हमने इसको मिला लिया। आप देख सकते हैं अब मेरे पास इतना ही मेरा दूध का घोल बचा हुआ है। हमें इसको थोड़ा थोड़ा अभी भी इसको थोड़ा थोड़ा डालना है। अभी भी मेरा थोड़ा बचा हुआ है और इसको हमें मिलाते जाना है। हमें इसको बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है अपने बैटर को। हमने इसमें पूरा अपना घोल डाल दिया है। हमारा जो दूध का घोल था वो पूरा पड़ गया है। आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से हमारा बैटर तैयार हो गया। बस हमें इस तरह से अपने बैटर को तैयार करना है, इससे ज़्यादा हमें पतला नहीं रखना है। इसकी एक रस्सी ऐसी तैयार हो रही है, बस इसी तरह से हमें इसको अपने बैटर को रखना है। अब इसमें हम अपनी टूटी फ्रूटी डाल देंगे। हमने इसको आटे में मिक्स मैदे में मिक्स करके रखा था, हमें सबको डाल देना है। डाल के इसको अच्छे से मिला लेना है। यहाँ पे हमने स्क्वायर केक मोड़ लिया है। आप चाहें तो गोल भी ले सकती हैं। हमने इस पर तेल लगा के बटर पेपर लगा दिया था और बटर पेपर के ऊपर भी हमें इसके इस तरह से तेल को ग्रीस कर देना है। अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो आप इसके ऊपर ऑयल लगाने के बाद आप इसके ऊपर मैदा डस्ट कर दीजिए और जो आपका एक्स्ट्रा मैदा हो आप उसको हटा दीजिए। इस तरह से हमें हर तरफ जो है ऑयल को ग्रीस कर देना है। इस तरह से हमने पूरे में ऑयल को जो है लगा दिया है। अब जो हमने घोल पेस्ट को अपने बना के रखा था हमें इसको इस तरह से इसमें डाल देना है। हमें अपने पूरे बैटर को हमने इसमें डाल देना है। इस तरह से आप इसको हर तरफ से फैलाते हुए इस तरह से डाल दें पूरे में। इस तरह से हमने अपने पूरे बटर को डाल दिया है। अब हमें इस तरह से इसको टैप कर देना है ताकि इसमें जो कोई भी एयर वगैरह हो तो वो अच्छे से सेट हो जाए हमारा। इधर हमारी कढ़ाई भी प्री हीट हो गई है। हमने इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे प्री हीट के लिए 10 मिनट के लिए लगा के रखा था। अब हमें अपने केक के बैटर को इसी में डाल देना है। अच्छे से इसको डाल के और हमें एक अच्छा मोटा ढक्कन इसके ऊपर इस तरह से लगा देना है। 30 से 35 मिनट तक के हम लो फ्लेम पर इसको पका लेंगे। फिर हमारे केक को पकते हुए 35 से 40 मिनट हो चुके हैं। आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी इसमें से खुशबू भी आ रही है और हमारा केक बनके तैयार हो गया। अब यहाँ पे हम एक टूथपिक लेंगे और उसको इस तरह से हम इसमें डाल के देख लेंगे। अगर हमारी टूथपिक एकदम सूखी निकल रही है तो इसका मतलब हमारा केक हो गया। आप देख सकते हैं एकदम सूखी है, इसमें कुछ भी नहीं लगा है, इसलिए अब हम फ्लेम को बंद कर देंगे और इसको हम इसमें से निकाल लेंगे। इसको आप बहुत आराम से निकालिएगा क्योंकि ये बहुत ही गर्म होगा। बहुत ही हल्के हाथों से इसको आप इस तरह से निकाल लीजिए और इसको हम ढक के एक घंटे के लिए इसी तरह से ठंडा होने के लिए रख देंगे। हमारे केक को रखे हुए एक घंटा हो गया है। हमारा केक बहुत अच्छे से ठंडा हो गया है। हम देख सकते हैं कितना फ्लफी सा केक बन के तैयार हुआ है। एक बार आप लोग ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अब हमें एक नाइफ की मदद से इस तरह से हमें इसको बगल बगल से छुड़ा लेना है या हर साइड से इस तरह से कर लेना है इस तरह से। उम्मीद करते हैं आपको हमारी रेसिपी पसंद आई होगी। मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। एक बार आप लोग ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अब एक प्लेट की मदद से हम इसके ऊपर इस तरह से रख के हम इसको इस तरह से पलट लेंगे और हल्के हल्के हाथों से हम इसको इस तरह से टैप कर देंगे। देख सकते हैं मेरा केक कितने अच्छे से निकल गया है और कितना ही अच्छा इसका कलर आया है। इस तरह से हमने अपने केक को पलट लिया है। अब हम आपको इसको काट के दिखा देंगे। आप देख सकते हैं कितना ही फ्लफी सा मेरा केक बनके तैयार हुआ है। आपको काटने से ही पता चल रहा होगा। बहुत ही स्मूथ सा केक बनके तैयार होता है, बहुत ही मज़े का लगता है।
एक बार आप लोग इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। देख सकते हैं आप, देखिए बिल्कुल बाज़ार के तरीके, मिठाइयाँ केक के तरीके, आपकी टूटी फ्रूटी आपको हर जगह मिलेगी, हमारी कहीं पर भी टूटी फ्रूटी बैठी नहीं है। इसको इस तरह से पलट दिया है और इसको इस तरह से हम काट लेंगे। इस तरह से आप पीस में इसको काट लीजिए, बिल्कुल ये बाजार के बिठानियाँ केक के तरीके ही लगेगी। देख सकते हैं कितनी स्पंजी है, देख लीजिए आप, देख सकते हैं कितने सॉफ्ट सॉफ्ट केक बन के तैयार हुए हैं। पर आप लोग ट्राई ज़रूर कीजिएगा, बहुत ही मज़े के बन के तैयार होते हैं। देख सकते हैं इसी तरह से हमें अपने सभी केक को काट लेना है। अब इसको इस तरह से सर्व कीजिए, बहुत ही मज़े के लगेंगे, एक बार आप लोग ट्राई ज़रूर कीजिएगा। इस तरह से हमने सभी केकों को अपने काट लिया है, आप देख सकते हैं बिल्कुल ये बाजार के तरीके बिठानिया केक के तरीके आ रहा है, बहुत ही हेल्थी सा केक रहता है। आप लोग ज़रूर इसको बनाइए, फैमिली फ्रेंड में शेयर कीजिए और मज़े कीजिए।